तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशंस। आज बात करेंगे हम कंडीशंस के बारे में एसक्यूएल सर्वर में। आपने सिलेक्ट कमांड देखा था, वेयर कमांड देखा था, वेयर कमांड में हमने कुछ कंडीशंस लगाए थे वो भी आपने देखा था और आपने उसको यूज किया। वहां पे एक एग्जांपल दिया था आपको कि किस तरीके से वेयर कंडीशन का यूज किया जाता है। अब जो है आपको हम बताने जा रहे हैं कि और क्या क्या उसके अंदर चीजें हैं, वो सारी चीजें हम आपके साथ यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। ओके सर जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टेबल्स को लिया हमने, हम आईडीटी में ही करते हैं, तो यहां से न्यू क्वेरी सेलेक्ट करते हैं। स्लो हो गया अपडेट होने के बाद सर। ओके, तो जैसे कि हमने यहां लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, और जैसे मैंने इसको एक्सक्यूट किया यहां पे डेटा हमारे आ गया। तो वेयर कंडीशन ये भी यूज करते हैं जब मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए होता है, हमें इसमें से कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए। जी, मैं चाहता हूं कि सेल्स, मुझे यहां पे देखिए सेल्स में नल भी है ना जी, तो मुझे पता करना है कि ग्रेटर देन 50 वाले सेल्स कौन कौन से। तो हमने क्या किया था, हमने लगाया था कंडीशन वेयर, वेयर और यहां पर हमने दिया सेल्स इज ग्रेटर देन 50, डाल दिया सर। अब जो सेल्स आ रहे हैं वो सारे 50 से ऊपर आ रहे हैं, इसलिए नॉर्मल जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इसमें दे दिया कि नॉट इक्वल टू 50, अब मैं इसको रन कर रहा हूं, जो 50 के बराबर नहीं है वो यहाँ पे आपको दिखा। ठीक है, तो नंबर में ग्रेटर देन लेस देन यूज कर सकते हैं, नॉट यहाँ पे चीज और है, हाँ यहाँ पे ऐसे सी में होता है, सी एक अच्छी कर रहा हूँ। ठीक है सर जी, हाँ ए नॉट इक्वल का साइन ए भी है। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 55 आ रहा है, मैंने बोल दिया नॉट इक्वल 55 एंड स्किप किया, अब यहां पे देखिए 55 नहीं। तो आप इक्वल टू भी दे सकते हैं, लेस देन इक्वल टू भी दे सकते हैं, और आप दे सकते हैं जो साइन है, वो साइन आपने देखा, ये साइन भी आप दे सकते हैं। तो इस ऑपरेटर समझ में आ गया जी, ऑपरेटर में दिक्कत तो नहीं ना आपको सर? नहीं सर। एक बार और बता देता हूं, इसमें इसमें ए हो गया, अब इसमें एक चीज और भी है, ये तो आपका हो गया नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि अगर मैंने बोला यहाँ पे कि नॉट ग्रेटर देन, ये देखिए मैंने बोला कि नॉट ग्रेटर देन 50 वाले सारे आ, या फिर हम कर सकते हैं नॉट लेस देन 50। ठीक है जी, यहाँ पे इसमें एक और कमांड आता है, वो आता है इनका। इनका कमांड क्या होता है इसको जानते हैं।
मैं यहां पे कंडीशन में लगाता हूं अपना, मान लीजिए कि हमने सिलेक्ट किया रीजन, यहां पे दिया रीजन आर आई जी ओ एन रीजन, और यहां देते हैं इन, और इन के अंदर हम देते हैं इन्वर्टर कमान एच ए जी, ठीक है, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, तो मुझे इसमें जो है ये तो लाइक कमान से होता है, मैं तो बोल रहा था इसमें जैसे कि मुझे कोई पर्टिकुलर ए चाहिए, मतलब कि सिटी चाहिए अपने हिसाब से रीजन में, यह हम सेल्स में लेके चलते हैं, हमने नाम किया सेल्स, सेल्स के अंदर में हमने दे दिया इन, और इन में हमने दे दिया कि मुझे 50 चाहिए, मुझे 60 चाहिए, 45 चाहिए, 55 चाहिए, 78 चाहिए एंड 91 चाहिए, और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब यहां इसको बंद करते हैं, तो जो कमांड हमने यहां पे लिखा है वही फीचर्स आएंगे, तो इनका आप यूज कब करते हैं, जब आपके पास मोर देन वन कंडीशंस हो, चाहे नंबर में हो चाहे एक्शन में, समझ गया? ठीक है सर, इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब आता है आपके सामने नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर मान लीजिए कि मुझे इसके अलावा चाहिए तो मैं यहां नॉट लगा दूंगा, तो 50, 60, 45, 55, 78 जो है वो आपको नहीं दिखेगा, नॉट इन माफ कीजिएगा, इसमें हमें इन भी करना, ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया। तो इसका यूज क्या होता है, जैसे आपके पास दो टेबल है, आप चाहते हैं कि दो टेबल की एक टेबल का जो नेम है दूसरे टेबल में नेम के अलावा जो है सब कुछ आए, क्योंकि यूनियन ऑल या आपको जो यूनियन और यूनियन बताया था वो तो सिर्फ इस पे वर्क करता है ना, पूरी पूरी टेबल पे वर्क करता है ना सर जी, बट आप चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर कॉम, एक पर्टिकुलर जो ये है आपका कॉलम है उसकी जो डेटा है इसमें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये आपका इन, अब यहाँ पे डेटा, तो इसके लिए फिर वापस हम सिलेक्ट कमांड लगा देंगे, तो आगे क्लासेस में हम बताएंगे कि दो या दो से ज्यादा सिलेक्ट कमांड हम कैसे लगाएंगे, दो अलग डेटा कैसे यूज करेंगे, ये हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। अब नॉट के बाद आता है हमारा बिटवीन, बिटवीन मतलब कि हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर चाहिए, बिटवीन यहाँ पे हमने बोल दो यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे एन देना होता है, अब यहाँ पे दे दिया 60, यहाँ रन कीजिए, सर बिटवीन की स्पेलिंग सही नहीं लिखे, सर लग रहा है आ हो गया ना जी, मेरा बिटवीन 20 से 60 के बीच में ही आया, बिटवीन का यूज इस तरह से हम करते हैं, यहाँ लगा, लेकिन अब क्या है कभी कभी हम बिटवीन ना लगा के हम एक चीज इसका एक तरीके से और भी कर देते हैं, ये मैं ज्यादातर एक्सेल और वीवी में यूज करता हूँ, सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20 सेल्स लेस देन इक्वल टू 60, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ओके, लेकिन बिटवीन भी कर सकते हैं, अब आपको जो सुटेबल लग रहा है उसकी हिसाब से इस ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आया जी, हाँ ऐसे में आप नॉट लगा दे, नॉट लाइक लगा दे तो नॉट लाइक हो जाएगा, ओके, उसके बाद आता है एग्जिस्ट, अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है एग्जिस्ट, वेयर एग्जिस्ट, अब जैसे कि यही पे हम लेते हैं तीन पे नहीं, हम सेल्स पे लेते हैं, सेल्स, सेल्स के बाद यहां पे हम देते हैं नहीं, इसमें सेल्स देना जरूरी नहीं है, यहां पे सीधे कर देता हूं एग्जिस्ट,
एस टी तो नहीं आएगा सर? इसमें एस पहले लगेगा, ई एस आई टी एस, ई एस आई एस टी एस। लास्ट वाला एस हटेगा? वो रहेगा रजिस्ट्रेशन। नहीं, इसमें डबल सिलेक्ट कमांड लगाता है, सेलेक्ट ये दो टेबल पे यूज होता है सर, ये आपको आगे बताऊंगा, ठीक है सर? जब दो टेबल काम होना तो समझ में आएगा, वरना कभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी आपने सीखा कंपेयर ऑपरेशंस, इसमें इक्वल, डज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन। और आपको हमने इन के बारे में सिखाया, हमने आपको नॉट के बारे में सिखाया, हमने आपको बिटवीन के बारे में सिखाया, नॉट बिटवीन के बारे में सिखाया, इज नल, इज नॉट नल, लाइक ऑन, एग्जिस्ट के बारे में हमने बताया, आपको इसके बारे में बताएंगे आगे। इसी समझ में आ गई होगी आपको? जी हाँ सर। अब इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। अब कल की क्लास में हम कंडीशंस के बारे में जानेंगे, इसमें हम बताएंगे एंड और लाइक इन नॉट और जो भी और भी कंडीशंस है उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है सर। ठीक है, इसको करने के बाद फिर हम क्रिएट टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है, कोई डाउट या क्वेश्चन है किसी तरह का? नहीं सर, अभी तो नहीं। मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर, प्लीज शेयर द लिंक सर।